कि रेमंड्स में एक एसेलेट हुआ था मेरा सो वो अपडेट कर दिया था दिस कैंडल वॉज ब्रेकआउट कैंडल फिर एक एसेलेट हुआ इन वन टू थ्री फोर सो फो चार दिन मैंने होल्ड करा एसेलेट हो गया एंड आज लाइक uh, like, मदरसन सोमी वायरिंग से मैंने एग्जिट कर लिया सो द टोटल अमाउंट कैप्चर्ड वॉज अराउंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी परसेंट रिटर्न तो अमाउंट जो है मैंने इतना ज़्यादा कुछ लगाया भी नहीं था बट अराउंड अराउंड लाइक फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट जो है मैंने निकाल लिया इसमें से फ्रॉम मा दस वायरिंग सो इट वॉज गुड टू एक्सपीरियंस के इतना पेशेंस uh, रखना इतना टाइम एंड देन दिस केम अलॉन्ग एंड फिर मैंने ये अपडेट भी कर दिया था आज मॉर्निंग में फिर मैंने बताया था कि कैसे सब ट्रैक कर रहा था मदरसन सुमी जो एक्चुअल शेयर है उसमें से जो इनिशियल अमाउंट है एंड स्टिल वी आर ऑन गुड प्रॉफिट तो उसके बाद फिर गुजरात एलकलीस बुकड वन टू थ्री थ्री डेज बैक स्टॉक दिया था एंड फिफ्टीन परसेंट टोटल मोमेंटम दैट इज टारगेट नंबर टू अचीव्ड इज जी टी जी एफ एल जी एफ एल तो ये मेम्बर्स ग्रुप पे दिया था स्पेशली सो इसमें थर्टी थ्री परसेंट इंट्रा स्लैश स्विंग ट्रेड कन्वर्जन थी टाडा एलेक्सी वन टू आज डन हो गया सो दीज सुप्रीम पेट्रो की अगर बात करें हम लोग सुप्रीम पेट्रो की तो द स्टॉक डिस्कस्ड अराउंड लेवल्स और मैंने बताया था आपको कि कैसे दिस इलेवन परसेंट ये अचीव किया जा सकता है बट एज यू कैन सी थर्टी फाइव परसेंट तक स्टॉक मूव हो गया बिकॉज इसका भी ब्रेकआउट फिर मदर कैंडल ब्रेकआउट रीटेस्ट ब्रेकआउट तो इस तरीके से जो पूरी वेव है प्राइज एक्शन की वो कंटिन्यू है तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की विच कैन गिव यू गुड इन स्मॉल पीरियड ऑफ़ टाइम सो लेट स्टार्ट द वीडियो सो यहाँ से मुझे मिल रहा है इमामी पेपर फर्स्ट रिजेक्शन सेकेंड रिजेक्शन थर्ड रिजेक्शन एंड एक बड़े मोमेंट के बाद एक्यूमलेशन हो रहा है प्राइस सो so, आज ये ऊपर निकला था वन क्रिएटेड uh, 178 का हाई अराउंड सो वी विल सी कि अगर 178.3 का हाई ब्रेक होता है विद पावर आप देख सकते हो रिजेक्शन वन रिजेक्शन टू रिजेक्शन थ्री एंड रिजेक्शन फोर पे ये बैठा हुआ है फिलहाल ऑल दो स्माल पॉप आउट दे चुका है बट स्टिल मदर बार के अंदर है तो एज पर आर रूल्स जब तक ये इन साइडर डे खत्म नहीं हो जाती है यहाँ से एंड यहाँ से पॉप आउट कैंडल नहीं मिल जाती है ऑल्सो यहाँ पे अगर देखोगे तो फॉल रिटर्न रिट्रेसमेंट एंड फॉल रिट्रेसमेंट फास्ट और फिर कंसोलिडेशन सो तो ये कह सकते हैं ईव ईव एंड एडम एडम ब्रेकआउट जो डबल बॉटम वाला होता है यहां से यहां तक एक प्रोजेक्शन लेके फिर ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे कि कितना टारगेट हो सकता है ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई है सो तो विल डिस्कस जब एक्टिवेट हो जाएगी इसमें मैंने पोजीशन अपनी आज क्रिएट करी है बाइक हॉस्पिटल सो तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन है मेरा एसएल इस रेड लाइन के नीचे है ठीक है सो so, इतना ही एसल है मेरा क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ली है बिकॉज आई थिंक दिस कैन गो गुड रीजन इज कि यहाँ पे थ्री विक रिजेक्शन है फिर यहाँ पे एक इम्पल्स मूव के बाद पूरा फॉलो एक्शन है कंसोलिडेशन के साथ देन एक फॉल आया है ओके okay? सो so, एक जो फॉलोअप होता है ना यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ सो काउंटर ट्रेंड लाइन के साथ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है

तो वो मेरा टारगेट होगा कन्फ्लुएंस अकल पर अडवा एडवानी होटल्स नेक्स्ट स्टॉक है बिकॉज लाइक नॉर्मल है कि होटल स्टॉक्स शुगर स्टॉक्स ये दोनों स्टॉक्स ये दोनों जो सेक्टर्स से, हैं होटल एंड शुगर ये काफ़ी मूव कर रहे हैं आजकल एंड बहुत ही लॉजिकल रीजन भी है कि होटल क्यों मूव कर रहे हैं सब कुछ अनलॉक एंड एवरीथिंग सो दैट इज़ वन थिंग बट प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो स्टिल लेमन ट्रीज हो गया एंड अट ऑफ थिंग्स चार्लेट होटल्स में ट्रेड करा था हम लोगों ने वो डिस्कस करा था तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है अडवाणी में एक बहुत बड़ा इम्पल्स मूव आया फिर वो फॉल हो गया बट वो फिर से ट्रेस मारता है ऊपर के लिए स्टॉक एंड अगेन जो है इन लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट आज देने में केपेबल रहता है ठीक है एक बहुत मार, अच्छी मारो बोजू कैंडल क्लोज हुई है इनसाइडर डे मदबाद डे ब्रेकआउट भी है एंड एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ सो दीज आर दिंग्स जो मैंने की पॉइंट नोटिस करे हैं एंड मुझे लगता है कि ऑन द अपर साइड हमको एटलीस्ट एटलीस्ट वन जीरो सेवन एंड वन वन थ्री का टारगेट मिल सकता है तो दो ट्रेड एक्टिवेट हो चुकी है थर्ड ट्रेड जो एक्टिवेट हुई है गुड ट्रेड लाइन देखो जहाँ ब्रेकआउट मिला वो ब्रेकआउट

4.5 परसेंट पे जब था अराउंड तब मैंने अपनी पोजीशन क्रिएट यहाँ पे कर ली थी माय टारगेट वन इज 370, 400 एंड 415 ये तीन टारगेट्स है मेरे अदानी ग्रीन की बात करें तो ये इंट्राडे स्लैश स्विंग ट्रेड है एंड द रीजन इज कि यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हो रहा है एंड ऑलमोस्ट वहीं पे वर्ज पे ब्रेकआउट के तो अगर ब्रेकअवे गैप से

तो निफ्टी में एज आई टोल्ड यू कि शॉर्टिंग पोजिशंस मत ही बनाना और अगर शॉर्ट कर रहे हो तो सेवनटीन हंड्रेड का ख्याल रखना सो सेवेंटीन थाउजेंड सॉरी सेवनटीन थाउजेंड पर डबल वॉटम बनता है ओके okay, डबल वाटम बन के एक ब्रेकआउट मिलता है तो ये बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट है उसके बाद एंटिसिपेशन शुड भी कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा एंड दस ये ब्रेकआउट होता है एंड उसके बाद भी एक इम्पल्स मूव मिलता है एंड टारगेट नंबर वन टू भी अचीव हो जाता है ठीक है अब टारगेट नंबर टन था ये एक्चुअली बिकॉज हमें चाहिए था कि यहाँ से ब्रेकआउट मिले एंड टारगेट नंबर टू ये रहा जो कल डिस्कस कर रहा था बट क्योंकि इसने डबल बॉटम और नीचे जाके बनाया सो so बेसिकली एक डिप आ गई तो सेवनटीन हंड्रेड एक अच्छा सपोर्ट था एंड देन एक डिप आई ब्रेकआउट फ्रॉम द काउंटर ट्रेंड लाइन उस पर रीटेस्ट कर भी चुका है उसका भी ब्रेकआउट दे चुका है ठीक है तो अगर साइडवेज कल खुलता है तो सेल ऑफ नहीं आएगा एक अच्छा ऊपर के लिए मूवमेंट आ सकता है ठीक है बट उसके लिए भी हम लोगों को देखना पड़ेगा थोड़ा वेट तो थो करना ही पड़ेगा लेट्स कि फाइव मिनट पे अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है सेवनटीन टू हंड्रेड एंड सेवेंटी को इस वाले चार्ट चार्टे अपना फ्यूचर के चार्ट पे तो हम लोग डायरेक्ट टारगेट सेवेंटीन फोर हंड्रेड का लेंगे इन निफ्टी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो दोस्त जिनको प्राइज एक्शन ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देखनी पसंद है एंड एक्चुअली में अनालिसिस करना पसंद है रिमीटिंग द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल एंड सेम फॉर फिफ्टी लाइक्स फॉर दिस वीडियो कोई भी डाउट्स कोई भी इशू हो मुझसे टेलीग्राम पर जरूर पूछना